हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्मोक हाउस चंडीगढ़। तो गाइज़, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आई गेट का जो वेब है उसको कैसे रीफिल करना है और कैसे आपने रिचार्ज करना है। तो गाइज़ देखिए, इसको ओपन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और नीचे से भी ओपन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैंने ट्राई किया था लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर हम आपको आज की वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको ओपन करने के लिए यहाँ से पुश मारना है। बस को ना बार बार हमें ऐसे करना है और थोड़ी देर में निकल जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे करना है, देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ओपन हो रहा है यहाँ से। बस ऐसे ही करते जाना है हमें। देखिए अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। देखिए अभी कितना ज़्यादा निकल गया है। तो उसके बाद आप इसको आपने ऐसे ही पुश करते रहना है और ये धीरे धीरे निकलता रहेगा। तो देखिए अभी आपको दिख रहा होगा, अभी ऐसे से हिल रहा है। तो ऐसे से करके हमने इसको निकाल देना है। तो गया इसमें तो फ्लेवर भी हल्का फुल्का लीक हो रहा है। तो ये खुल गया है। इसके जो वायर्स हैं आप ध्यान से देखिए, इसकी वायर्स जो हैं ये टूटी हुई हैं और इसमें से फ्लेवर भी थोड़ा निकल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको रीफ़िल करना है। तो रीफ़िल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को ऐसे खोलना है। इस पॉइंट को ऐसे करना है और ये खुल जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को भी ऐसे करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो गैस ऐसे करके हमें इसको निकाल देना है। तो ये गैस हमारी जो कॉयल है वो निकल गई है। तो उसके अंदर होता क्या क्या गैस, आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। इसके अंदर फ्लेवर है थोड़ा बहुत, तो उसको हम साइड पर रख लेंगे। और गैस ये इसकी कॉयल है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये देखिए कॉयल सिस्टम है, ठीक है। ये इसकी कॉयल है जो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में। तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे के वैसे दोबारा लगा देंगे जैसा लगा था ये। तो गैस ये टूटा है यहाँ से थोड़ा सा ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा टूटा है। और इसके अंदर की जो बैटरी है, इस बैटरी को निकालने के लिए हमें ऐसे ऐसे मारना है। ये देखिए बैटरी इसकी जो है यहाँ से निकल जाएगी। बैटरी निकल गई है, ये इसके अंदर बैटरी होती है। सेम वैसी ही बैटरी है जैसी और वेव्स में होती है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सेम है। ये इसका सेंसर है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। देखिए वैसे ही ना चिपका होता है ये अच्छे से। ये देखिए हमने खोल दिया ये। तो ये हमारा पार्ट होता है, ये हमारा सारी चीज़ें हमने डिसेंबल कर दी है। तो ये जो है ये वाला पार्ट इसके अंदर डलेगा और यहाँ पर एक लाइट होती है जिससे कि पता लगता है कि स्मोक जो है बन रहा है। तो ये हमने डाल दिया है यहाँ पर। सबसे पहले तो उसको बैटरी को कैसे चार्ज करना है वो चीज़ें देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस आज जो है, आज हम किसी और तरीके से इसको चार्ज करेंगे। आज जो हम चार्ज करेंगे गाइस, वो हम इस चार्जर से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे पास चार्जर नहीं है वो वाला। तो हमें प्लीज़ यूएसबी से बताइए कैसे चार्ज करना है। तो गाइस हमने करना क्या है, इसको ओपन करना है यहाँ से। ये वाला पार्ट हमने खोल लिया है, इस टेप को हमने खोल लिया है यहाँ पर। और देखिए इस टेप से ये वायर आ रही है, तो इस वायर को हम काट के इसी वायर पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेपर हमने यहाँ से काट दिया है। अब ये जो वायर है, इस वायर को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें इस वायर पे हमें ये वाली वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है।
तो ये वाली वायर जो है इस वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। अभी मैं आपको टेम्परेरी दिखा रहा हूँ, आप जब करेंगे तो उसको आप अच्छे से इसको करना। अभी मैं टेम्परेरी दिखा रहा हूँ आपको। और ये दूसरी वायर है, दूसरी वायर को हमें करना है यहाँ पर कनेक्ट। दूसरी वायर को हम इस वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वायर जो है वहाँ से उसी पॉइंट से आ रही है, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो गैस ये वाली वायर और ये वाली वायर दोनों कनेक्ट हो गई है। अब हमें करना क्या है, इसको प्लग इन करना है किसी भी चार्जर पे। और गैस ध्यान रखना है कि ये हाई वोल्ट चार्जर है, तो इसको 10-15 मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है आपने। इसको चार्ज करना है ऐसे करके, और गैस इसको एक्सटेंशन बोर्ड पे लगा देना है। ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड पे इसको हमने लगा दिया है। तो गैस चार्ज हमने इसको कर लिया है। अब चार्ज करने के बाद एक बार हम चेक करेंगे कि इसमें स्पार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, लाइट आ रही है, तो ये चार्ज हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से वैसे ही बंद कर देना है और इसको कोशिश करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाए। और ये जो यहाँ से है इसको भी अच्छे से बंद कर देना है और इसको हमें फिट करना है। बट उससे पहले हमें जो ये था इस पर इसको अटैच करना है, इसमें फंसाना है। ये फंस जाएगा तो इसको हमने क्या करना है, इसको दबा देना ताकि ये खुले ना। ये दोनों पॉइंट तो हमने जोड़ दिए बट अभी भी टेम्परेरी है, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया है ये चीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके अंदर वो डाल देंगे। ताकि क्या है कि बाद में हमें दिक्कत ना आए, इससे कि हमें बाद में दिक्कत ना आए तो हम इसको इसमें भर देंगे। इसमें भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ही लगा देते हैं। वैसे इसको सूखने दिया हमने, सूख गया है अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिट करेंगे। ठीक है, और इसको भी अंदर डाल देंगे, आपको दिख रहा होगा, इसको अंदर डालना है आराम से। थोड़ा सा टाइट है ये, इधर वाला पोर्शन जो है ये जितनी मुश्किल से खुला था उतनी ही मुश्किल से बंद भी होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा निकल गया है यहाँ से। तो गाइस इसके अंदर हम जो है इसके अंदर फ्लेवर भर लेते हैं। इसमें जो फ्लेवर है बहुत कम है, तो गाइस ये हमने अच्छे से बंद कर दिया है। और अब देखते हैं कि इसमें फ्लेवर भी देखो हमने फुल भर दिया है, यहाँ तक फ्लेवर भर दिया है हमने। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका स्मोक जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है और चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। गैस चार्ज हो चुका है ये और स्मोक भी आ रहा है। गैस फ्लेवर जो है इसका फ्लेवर मिक्स आ रहा है। इसमें जो मैंने डाला है ये ब्लूबेरी सिनेमम और साथ में हमारा ग्रेप आइस, तीनों मिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा अलग फ्लेवर है लेकिन जो ठंडा सा फ्लेवर हमारे डिस्पोजेबल वेप्स का होता है वो फ्लेवर इसमें मुझे आ रहा है। तो एक बार और ड्रैग लेके देखते हैं। बहुत बढ़िया बन रहा है, मिक्सअप हो गया एकदम अच्छे से।
तो गैस ये वेप हमने रिपेयर कर दिया है। किसी को भी इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए। थोड़ा वेप की हालत ख़राब हो गई है खोलने बंद करने में, ये मैंने दांत से खोला था दोबारा, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो गैस बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज होपफुली सबकी क्वेरीज़ जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। और कोई भी आपके मन में सवाल हो प्लीज़ मुझसे पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये देखने में बहुत इजी लगता है जो चीज़ मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसको बहुत टाइम लगता है, इसको वो करने में, इसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है गैस। तो थैंक यू सो मच गैस, बाय बाय।